आप देख रहे हैं आप कर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो से लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो में, रिजवान साहब की वीडियो है, वीडियो टाइटल है मलिक करजम खारगे, शायद मैं ये गलत बोल रहा हूँ, खैर स्लैम्स पीएम मोदी विद डिक्टेटर, देखते हैं वीडियो में पता चलता है क्या यार वीडियो, फिर बात करें। तो साहब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि 2024 में होने वाला ये देश का आखिरी चुनाव है, और अगर मोदी इसे जीत गया तो वो इस देश में चुनाव नहीं होगा, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बन जाएगा पुतिन की तरह। तो इसी पर करेंगे चर्चा कि आज वो बोल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जीत गया तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, और कुछ दिन पहले उन्होंने क्या बोला था। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला, पहले बकवास सुनते हैं। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नई करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। सुना आपने? लोग डर के दोस्ती छोड़ रहे हैं, लोग डर के गठबंधन छोड़ रहे हैं। कहने का इनका मतलब यह है कि भारत में भी एक तरह से एक सूडो डेमोक्रेसी हो जाएगी या एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और चुनाव के वोटिंग से पहले लोगों को पता होगा कि कौन जीत रहा है। तो इसका मतलब तो यह तो तय हो गया कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जीत गए तो इनके हिसाब से विपक्ष को पता चल जाएगा कि अब उनकी देश में राजनीति का स्कोप खत्म हो गया है, चुनाव का स्कोप खत्म हो गया है, मोदी अगर जीत गए तो डिक्टेटर बन जाएंगे। कुछ दिन पहले इसने मल्लिकार्जुन ने क्या बोला था, जरा वो सुन लीजिए। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। ये किस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है? ये उस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ घूम घूम के सड़कों पर नारे लगाए जाते थे कि चौकीदार चोर है, और उसने बर्दाश्त किया। ये उस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है जिसके खिलाफ उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पदयात्रा कर तुम पानी पी पी कर उसको कोसते हो और उसको गरियाते हो। और ये उस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, सेंटर में नहीं थे, और नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह का अपमान किया था, तो ये उस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने बोला था, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कैसे संबोधन करते हो, और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं, वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। ये है नरेंद्र मोदी। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सरकार यूपीए की थी तब वो आदमी सत्ता में आया। जिस दिन तुमने 2014 में जीतने के बाद, हारने के बाद ऐसा सकारात्मक विपक्ष दिखाया होता
कि जब भारत की आन बान और शान की बात आती और तुम इस सरकार के एनडीए की गवर्नमेंट बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ खड़े होते तो शायद 2019 या 2024 की तस्वीर अलग होती। तुम वो हो जो अपने मीडिया के हेड से ट्वीट करा रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपनी वैक्स स्टैचू के माथे पर खुद खड़े होकर चोर लिख रहा है, और तुम वो हो जो बच्चों से नारे लगवा रहे थे कि चौकीदार चोर है और सड़कों पे घूम घूम के नारे लगा रहे थे। तुम वो हो जिसने पुलवामा से लेकर ऑक्सीजन ना मिलने पर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। तुम वो हो जिसने वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बोला। तुम वो हो जिसने पूरी दुनिया में जाके ये प्रचार किया कि कोविड की लड़ाई में भारत हारा है। तुम वो हो जो पूरी दुनिया में जाके भारत की आन बान और शान को दांव पे लगाते हो और नाम लेते हो, बंदूक रखते हो कंधे पे किसके, नरेंद्र मोदी। लेकिन एक बात बता दूं, एक बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है, दोनों बातों को जोड़कर एक बात बोली कि मोदी जीत गया तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, दूसरा बोला कि मोदी जीत गया तो सनातन का राज आ जाएगा। मैंने नहीं बोला है, दोनों बातों को जोड़ के जब देखें तो यह बिल्कुल सही बात है कि जिस दिन भारत का 50-55% मात्र सनातन एक मंच पर आ गया तो इस देश में वाकई ही एक प्रॉक्सी डेमोक्रेसी आ जाएगी। प्रॉक्सी डेमोक्रेसी इस मारे आ जाएगी क्योंकि चुनाव से पहले ही पता होगा कि कौन कहां से जीत रहा है और कौन इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, चुनाव से पहले पता चल जाएगा। अभी नहीं आया है, अभी 40-42-43 आया है, लेकिन तुम लोगों ने अगर अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब 50% एक मंच पर आ जाएगा और चुनाव एक वाकई मजाक बनकर रह जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी की जान में जब तक जान है तब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बार बार बोल रहा हूं कि मुरारजी देसाई तो 90+ के बने रहे थे और नरसिम्हा राव 85+ तक बने रहे थे, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं 85-90 साल तक की उम्र तक इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते, जिसके लिए डिक्टेटरशिप की जरूरत नहीं होगी। और इस स्थिति लाने के लिए तुम ही जिम्मेदार होगे जो स्टालिन जैसे लोग सनातन को गाली देंगे और तुम चुप बैठ के तमाशा देखोगे। तुम जब इस देश में 75-80% सनातनियों की उपेक्षा कर रहे थे और 15% के पीछे भाग रहे थे तो तुमने यह सोचा नहीं था कि इसी 85-80% में से 40% एक तरफ जिस दिन हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, जो तुम सड़कों पर घूम रहे हो तुम्हें लोग सुन रहे हैं, जिस दिन ये 55% हो गए तुम इस देश की सड़कों पर घूमने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे, वाकई इस देश में एक प्रॉक्सी डेमोक्रेसी आ जाएगी, उसको तुम सॉफ्ट डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो। कभी देश को गाली देने लगते हो, कभी नरेंद्र मोदी को गाली देने लगते हो, कभी सनातन को गाली देने लगते हो, तो ये सनातन तुम्हें माफ करेगा, ये देश तुम्हें माफ करेगा। तुम्हारा नेता जिसको चुनाव से पहले दिल्ली में बैठ के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी वो सड़कें नाप रहा है। ये वक्त है जब इंसान बैठ के अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, अपने गठबंधन बनाता है। वो गठबंधन जो अक्टूबर में अपनी सीटें अनाउंस कर रहा था वो फरवरी आते आते अपनी सीटें अनाउंस नहीं कर पा रहा है। वो गठबंधन जहां पर उत्तर प्रदेश में 11 सीटें मिली हैं, जिस प्रदेश में कांग्रेस के पूरे फर्स्ट फैमिली ने पहले से लेके आखिर तक, जैसा मैंने कल बताया था, नेहरू से लेके इंदिरा से लेके राजीव से लेके संजय से लेके सोनिया से लेके राहुल से लेकर प्रियंका से लेकर सबने राजनीति करी है, वहां 11 सीटें लेकर बैठे हो और वहां पर कर रहे हो पदयात्रा। और इन 11 सीटों के बाद यहां का तुम्हारा गठबंधन अखिलेश यादव अपनी लिस्ट अनाउंस कर रहा है 16 प्रत्याशियों की, तुमसे बात नहीं कर रहा है। तुम्हारा नीतीश कुमार तुम्हें छोड़कर तुम्हारे मुंह पर जूता मार के भाग रहा है और बिहार में जाके तुम भाषणबाजी जब कर रहे हो तो लोगों को जोक सुना रहे हो पलटू राम को लेकर और बिन पैंदे के लोटे को लेकर। आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था, वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं, और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं
वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। और जब तुम्हें कुछ मिलता नहीं तो या तुम सनातन को गाली देते हो, या नरेंद्र मोदी को गाली देते हो, या देश को गाली देते हो। और जब कुछ नहीं मिलता तो तुष्टिकरण की राह पकड़ लेते हो कि इसके दम पर इतने सीट तो आ जाएं कि हम कम से कम इस लायक हो कि हमें कोई राष्ट्र पार्टी बोल सके। राष्ट्र पार्टी से याद आया, जब ये 50 सीटें जीती है ना कांग्रेस, मेरे साथियों कभी चिंतन किया ये 50 सीटें जीती कहां इन्होंने? कभी सोचा? मेरे जहन में भी नहीं आया था, पर कल एक एडिटोरियल पढ़ रहा था परसों, तो पढ़ते 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 वहां तक पहुंच गया। 50 में से 15 सीटें तो केरला में जीती हैं, 8 तमिलनाडु में जीती हैं, 8 पंजाब में जीती हैं। कितनी हो गई? 31। बची कितनी? लगभग 18-19 पूरे भारत में जीती हैं। अब आप ये कहेंगे क्या ये तीनों राज्य क्या ये भारत में नहीं है? आपने तो अजीब तरह से बात को समझा दिया। बता देता हूं क्यों अजीब तरह से बात को समझाया। वो इस तरीके अजीब तरीके से बात को समझाया कि इन तीनों स्टेटों में कॉमन क्या है। इन तीनों स्टेटों में कॉमन ये है कि यहां पर भाजपा राजनीतिक दृष्टि से ताकतवर नहीं है और सक्रिय नहीं है, इस मारे जीती हैं। करेक्ट है? अब आप दिमाग में आई ये बात? मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी। इस बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये क्या चीज हो रही है, जब मैंने उस चीज को जोड़ा। ये है तुम्हारी औकात, और तुम टक्कर लेने जा रहे हो नरेंद्र मोदी से। जहां जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा और तुम्हारी डायरेक्ट टक्कर है, चाहे तुम गुजरात उठा लो, चाहे तुम मध्य प्रदेश उठा लो, चाहे तुम दिल्ली उठा लो, चाहे तुम यूपी उठा लो, चाहे तुम और कोई स्टेट उठा लो, तुम अपनी जाकर औकात देख लो कि तुम्हारी कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने तुम्हारी औकात क्या है। हिट रेशियो जो बोला जाता है कि एक प्रदेश में कितने आपने प्रत्याशी लोकसभा के लड़ाए और कितने वहां से जीत के आए, 1 या 2% या 3% भी कांग्रेस का उन स्टेट्स में नहीं निकलेगा जहां पर बीजेपी से टक्कर है। और इसका कारण यही है कि आपने 70-75 साल 80% की आपने उपेक्षा की सिर्फ 15% के चक्कर में। और आप सोचते भी नहीं थे, आप तसव्वुर भी नहीं करते थे आप कि उस 80% के आधे जागरूक हो जाएंगे और एक मंच के नीचे आ जाएंगे, जिस तरह आप सोचते भी नहीं थे कि इस देश में एक वक्त पर कभी आकर राम मंदिर बनेगा। आपको इतना ही पता था पहले कि बाबरी ढांचा रहेगा, बाबरी ढांचा इस मारे बोलता हूं 2003 के एक्सकेवेशन के बाद। या आपको इतना पता था कि रामलला जो तंबू फटे हुए तंबू में विराजमान है वो वहीं रहेंगे और दुनिया ये चैप्टर भूल जाएगी। ये है आपके पतन का कारण। जब तुम लोगों को जवाब नहीं मिलता तो कभी मोदी को गरियाते हो, कभी सनातन को गरियाते हो, कभी देश को गरियाते हो, और जब कुछ भी नहीं मिलता तो फिर तुष्टिकरण की राह पर चल पड़ते हो और एक वर्ग को बाकी बहुसंख्यकों से या सनातनियों से जो जागरूक हो चुके हैं उनको उनसे तुम डराते रहते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास यार कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। जिस दिन उन राज्यों में जहां पर तुम भाजपा से सीधे टक्कर ले रहे हो तुम्हारा हिट रेशियो 30% भी पहुंच गया कि जितने 70 मान लो भाजपा ने जीत ली, 30 भी तुमने जीत ली, उस दिन तुम एक ऐसी पार्टी बनोगे जो एक गठबंधन बना सके। आज तुमसे बेहतर तो वो राज्य की पार्टियां हैं, चाहे वो केरल की हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो ओडिशा की हो, तुमसे बेहतर तो वो है कि जो तुम इनसे टक्कर ले रहे हो। उत्तर प्रदेश तुमसे संभलता नहीं है, देश जोड़ने के लिए लग रहे हो। गठबंधन तुमसे संभलता नहीं है, देश जोड़ने के लिए जा रहे हो। सनातन को गालियां पड़ती हैं तो तुम चुप बैठे रहते हो। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। और यकीन करिए अगर मुरारजी देसाई 90 साल के ऊपर तक राज कर सकते हैं हेल्दी रहते हुए, जिन लोगों को वो दौर नहीं याद 76-77 का, अगर नरसिम्हा राव 85 के ऊपर कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं 85 तक बैठे रह सकते? भगवान उनको लंबी उम्र दे, लंबी सांसें दे और हिम्मत दे, क्यों नहीं रह सकते? तो भैया ये सही बात है जो बोली गई है कि जिस दिन
सनातन का 55% भी जाग गया, उस दिन इस देश की डेमोक्रेसी एक प्रॉक्सी डेमोक्रेसी बनकर रह जाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले लोगों को पता होगा कि वोट कहां गिरने वाला है और देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। जो बोला है सच बोला है, सिर्फ सिर्फ जो अभी 42% जागा है, 55% सनातनियों के जागने की देर है, 80% या 90% नहीं कह रहा हूं। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा जी जी वो कर रहे बात कर रहे थे, मैं तो हैरान हूँ, वो कह रहे थे लोग डर से जो है उनके साथ साथ छोड़ रहे हैं। नहीं वो तो एक और बात है कि ये 2024 का इलेक्शन इंडिया का आखिरी इलेक्शन, वाह वाह ये कैसे इसको पता चल गया यार, ये क्या आपको लगता है? मैं कहता हूँ कि ये जैसे हमारे पॉलिटिशियन नहीं बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये भी छोड़ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ गया ये हमारों का भी रिकॉर्ड तोड़ गया, सॉरी यार किसको बोल रहे हो हमारे भी है इधर, लेकिन इसने तो पीएम मोदी पर भी भाई बाप निकला ऐसे तीर कसे जो कि मैं कहता हूँ ना नजर आ रहे हैं और ना ही कहीं। लेकिन भाई मोदी साहब की पॉपुलैरिटी है ना वो इंडिया पे तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। असल में ये डरे हुए हैं जितने अपोजिशन वाले हैं ना। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, कोई फेमस होने के दो तरीके हैं वो, जिस आप ये देखें जिस तरह आप पीएम मोदी साहब वो फेमस हैं, उन्होंने तो अपने दम पर लिए, अब ये जो जिसने बयान दिया है होंगे ये पहले भी फेमस लेकिन अब ज़्यादा होगा, अब जो ये बयान दिया हमने अब हमारी नज़र में आ गए ना ऐसे स्टेटमेंट की वजह से लोगों की नज़र में आ गए, ये फेमस होना से कहते हैं ये कि जो बुलंद ऊपर जा रहा है ना उसको हिट कर दो खाम खा कर दो कि यार ये इसमें ये खामियां हैं इसमें ये खामियां, चाहे वो दूर दूर तक उसमें खामियां हैं या नहीं हैं, लेकिन उसके जो चाहने वाले हैं वो उसको देखें कि यार ये खामी इसमें कैसे हो सकती, फिर वो उसको लिताड़ेंगे, मतलब जो जिस तरह इसको अब लिताड़ पड़ने वाले इंडिया में भाई कोई इस वो खारजे साहब उसका नाम क्या खारजा जो भी है इसको चाहने वाले भी होंगे उनके लिए उनसे सॉरी, लेकिन हकीकत ये है कि पीएम मोदी साहब एक ब्रांड है, एक ब्रांड है और उस ब्रांड की वजह से ये फेमस होना चाहते हैं। ये मलिक अर्जुन जो भी है ना ये वाकई ऐसे जो है ना वक्त कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के बारे में तो वो जो है ना अब उसका क्या नाम है बीजेपी और दूसरी पार्टी का या कांग्रेस का वो पप्पू का क्या नाम है राहुल गांधी वो भी इस तरह के नहीं मतलब इस तरह का नहीं बोलता जितना ये मलिक अर्जुन बोल रहा है, पता नहीं इसको कोई जाती पीएम मोदी का फेमस होना चाहता है लगता तो ऐसा। अच्छा ये इसी वजह से तो डॉक्टर रिजवान उसको हंस रहा है ना। अच्छा इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट है और दुनिया की टॉप डेमोक्रेसी में इंडिया का नाम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात इंडिया एक पढ़े लिखे लोगों का देश है, पाकिस्तान में 75 years इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी दौड़ शुरू की और पाकिस्तान में 4 मरतबा कमोबेश 3 मरतबा तो एग्जैक्टली और 4th मरतबा भी एमरजेंसी या मार्शल लॉ की किस्म की टाइप थी, पाकिस्तान में 4 मरतबा डिक्टेटरशिप आ चुकी है। हाँ पाकिस्तान में ये कहते ना कि भाई पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर कहता या कोई भी कहता कि ये पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन है इसके बाद डिक्टेटरशिप आ जानी है, हम मान सकते थे क्योंकि पहले हमने ये 4 मरतबा डिक्टेटरशिप देखी हुई है, हमने 4 मरतबा ये चीज़ें देखी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान रियल डेमोक्रेसी नहीं है और पाकिस्तान की आवाम तो डर के हमारे डिक्टेटर से बाहर ही नहीं निकलते। इंडिया में चीज़ काबिल कबूल नहीं है और खास करके पीएम मोदी के बारे में ये सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा, ये उनको डीफेम करने की कोशिश है। बिल्कुल है उसके पास कौन सा लगने के चिराग है कि यार ये पीएम के ना पीएम मोदी के मैं कह रहा हूँ कि इसकी इतनी औकात नहीं कि पीएम मोदी का जो जोता है ना उसकी ज्यादा औकात होगी और ये बात पीएम मोदी नहीं भी गए उसके कई चाहने वाले भी होंगे ठीक है आप उसको क्रिटिसाइज करो उसके कई चाहने वाले भी होंगे, हम डायरेक्ट उसको इतना भी नहीं गिरा सकते। नहीं मैं वैसे हाँ उसने बयान लग दिया उस पर हम बात यार मैं उसके इसके लेवल की बात कर रहा हूँ, उसका लेवल ये है और पीएम मोदी कहाँ पर है, मैंने यकीन करे आज इनको पहली मर्तबा देखा है। आप फेमस हो जाएंगे ना बिल्कुल अब ये बयान दे दिया फेमस हो मिलेगा या दूसरों को डीफेम करके फेमस उसको मिलती है या खुद कोई खुद को मारता है जिस तरह पीएम मोदी साहब ने खुद कमाई, अब ये क्या कर रहा है ये डीफेम करके
फिल्म में सुना चाहता है। जो शॉर्टकट तरीका होता है ना भाई, वो दूसरे की टांगे खींचने से होता है। हाँ। तो ये आप मोदी साहब पे ब्लेम करेंगे या कोई भी ऐसी उनकी बदगुइयां करेंगे तो तभी से हिट होंगे, पहले हमने कभी नहीं देखा था, तो आज हमने भी नहीं। क्या लगता है एक मिनट, ये बात मेन थी वो, तुम क्या लगता है कैसा हो सकता है भाई? मुझे लगता है कि जो बीजेपी है ना और मोदी साहब है, ये आज के बाद किसी को शायद ही आगे आने, मुझे तो ये लगता है। नहीं कैसे ना, नहीं, वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनके काम बहुत ज्यादा है, उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट अपने दौर में हासिल किए हैं, उन्होंने अपना मकाम खुद बना लिया, तो ये कैसे आ सकते हैं? मैं तो कहता हूँ अब तो दुनिया राहुल पप्पू को भी नहीं जानती होगी, सिर्फ बीजेपी के जो मोदी साहब है उनको ही जानती है। और काफी मैंने लोगों से बकायदा सुना है, वो कहते हैं कि भाई बस आज के बाद भी जो बीजेपी है और मोदी साहब में यही चलेंगे और किसी को कांग्रेस, तो मैं कहता हूँ जो कांग्रेस थी ना वो भी नहीं थी, अगर कोई लीडर आया ना इनके अच्छा इंडिया में महात्मा गांधी के बाद, मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा नहीं आया होगा जितना पीएम मोदी है, दूसरे इनके भी आए होंगे, लेकिन पीएम मोदी ने इंडिया को सोने की चिड़िया भी बना दी है मुकम्मल। भाई मेरी बात सुन ले राहुल गांधी, मैं इस चीज़ के हक में था और पाकिस्तान में भी इस चीज़ के हक में, ये ऐसा पाकिस्तान में भी हो, ये जो रूस की सियासत जिसे हम कहते हैं हेरिटेज सियासत, या कि बाप फिर बेटी फिर आगे उसकी बेटा, यू जिस तरह आप देखें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ उसकी आप औलाद, इस तरह जरदारी, जरदारी का जो सुसर था, चले वो तो एक सियासतदान अच्छा माना जाता है, सुसर भुट्टो था, भुट्टो का फिर बेटी है, उसका आ गया बेटा आ गया, उसका शौर आ गया, ये बिल्कुल इसका क्या, इसका मतलब क्या दुनिया में या पाकिस्तान में कोई और सियासत के काबिल ही नहीं है? नहीं बिल्कुल ऐसे माना, ये बिल्कुल सही किया है इंडियन अवाम को, मैं इस चीज़ पर उनका क्रेडिट देता हूँ, ये जो ब्रूस ने सियासत खत्म की है ना ये बहुत अच्छा की, इस वजह से आज इंडिया आ गया। अगर ये खानदान, ये गांधी खानदान, सॉरी टू से कुछ लोग उनके अच्छे भाई, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रूस ने सियासत चवले मारते हैं, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन सच ये है कि इंडिया के अंदर जो आज तरक्की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि उन्होंने हेरिटेज पॉलिटिक्स खत्म की है, और उन्होंने पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ लिखे हैं, उन्होंने उस बंदे को आगे लेकर आ रहे हैं जो वाकई उनके लिए काम करता है, जिसमें नितिन गडकरी, जिसमें अपना पूरी की पूरी है, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी फिर जो है वो बीजेपी है, ये हवा हवाई बातें, कोई बात नहीं, ब्रांड ब्रांड मिलता नहीं। वीडियो में नाटक, तब तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।